ये तस्वीर कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई, जिसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को विश्व भर में योग को स्थापित करने के लिए धन्यवाद दिया गया, जबकि इसी मौके पर प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को अमेरिका में योग कर रहे थे, जिस पर जबलपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने योग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। योग को विश्व पटल पर लाने का सार्थक सफल प्रयास भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 69th सत्र में अपने उद्बोधन में किया। यह पहली शुरुआत थी कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री ने विश्व पटल पर एक प्रयास किया। पूरा विश्व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा। इस दिन को योग दिवस के तौर पर मनाए जाने की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही शुरू हुई, लेकिन इस दिन भी देश प्रदेश की सियासत शीर्षासन करती दिखाई दी। तुम्हारे पीछे कैमरे चल रहे हैं, कैमरे वालों को बुला रहे हो, देखो हम ऐसा भोंडा योग मैंने स्मृति ईरानी का भी देखा, आज अनुराग ठाकुर का भी देखा योग, राजनाथ सिंह का भी, ऐसे भोंडे ढंग से एक दिन उछल कूद कर ली तो वहां योगाचार्य हो गए। तो ये पाखंड कांग्रेस के पास नहीं है, हम कर्मवीर लोग हैं, कर्म पथ पे बढ़ते रहते हैं। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस योग को मोदी जी की पहल पर पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, कांग्रेस उसका मखोल उड़ा रही है। आज पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है, एक सूत्र में ये देश का ये विचार पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। पूरी दुनिया में योग दिवस पूरी प्रसन्नता के साथ मनाया जा रहा है और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री ऑफिशियल विजिट पर अमेरिका में है, लेकिन योग करना और कराना दोनों ही नहीं भूले। दूसरी तरफ विपक्ष घर में रहकर भी खुद को योग दिवस पर सियासत से दूर नहीं रख पाया, मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। जबलपुर से पवन पटेल, भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 21 जून 2015 को पहली बार विश्व योग दिवस मनाया गया। 180 देश अब योग दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, योग का आयोजन भी होता है, और प्रधानमंत्री आज यानी 21 जून को अमेरिका में थे, वहां भी उन्होंने योग कराया। तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन सियासत देश में और प्रदेश में भी हुई। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चर्चा करेंगे। संतोष गौतम जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग से, बहुत स्वागत है आपका। सनवर पटेल साहब, बीजेपी प्रवक्ता और राज्य मंत्री, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। संतोष गौतम जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। योग किसी एक दल का, विपक्ष का, सत्ता पक्ष का तो है नहीं, 21 जून पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है, इसको भी सियासत में इंक्लूड कर दिया आपने, इस पर भी देखिए मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस इस पर सियासत नहीं कर रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि यदि योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा है तो उसको प्रदर्शित करना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि इवेंट बनाकर प्रदर्शित किया जा रहा है। अगर प्रदर्शन का इतना ही शौक है तो अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन क्यों नहीं करती सरकार? अपनी उपलब्धियों के नाम पर कोई जीरो है अगर सरकार, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, तो उसको ढकने के लिए इस प्रकार के इवेंट मैनेजमेंट मोदी सरकार कोई पहली बार नहीं कर रही है। मोदी सरकार इस प्रकार के इवेंटों से अपनी फलता को ढकने के कई प्रयास करती रही है, उसी में से ये एक प्रयास है। और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने तो आज कहा है कि अगर योग को सबसे पहली बार किसी ने भारत में प्रचारित किया तो वो पंडित नेहरू थे, लेकिन पंडित नेहरू की हर उपलब्धि को भुलाकर अपनी हर असफलता का श्रेय पंडित नेहरू को देने वाली पार्टी से हम यही अपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे इवेंट करार दे रहे हैं, लेकिन 21 जून भारत की पहल पर, कोशिश पर, अगर पूरा विश्व योग दिवस मना रहा तो इसे उपलब्धि नहीं मानेंगे आप?
निश्चित रूप से ये एक उपलब्धि है, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने जो देश से वादे किए थे उन सब के बारे में ऐसा इवेंट करके क्यों नहीं बताते कि मैंने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष क्यों नहीं दे पाया। अगर वो ये कहें कि मैं 15 लाख हर किसी के खाते में क्यों नहीं दे पाया तो हम मानेंगे कि प्रधानमंत्री के दिल में सच्चाई है, वो इवेंटों के माध्यम से चीजों को ढकना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री को आकर कहना चाहिए कि मैंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करूंगा, नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था कि 2022 तक हर किसी के पास अपना मकान होगा, मकान में नल होगा, नल में जल होगा, कहा था कि नहीं कहा था प्रधानमंत्री ने। लेकिन आज अपनी हर विफलता के लिए एक इवेंट वो तैयार रखते हैं और ये आज जो हुआ है ये उसी असफलता को ढकने का एक इवेंट है। जी सनवर पटेल साहब बहुत एग्रेशन के साथ संतोष जी आप बता रहे हैं कि भाई आपने वादे क्या क्या किए थे और कैमरे पर योग करना इवेंट के तौर पर आप लोगों ने इस आयोजन को खड़ा कर दिया। हमारे विद्वान साथी ने कितनी आसानी से विषयांतर कर दिया। आज गौरवान्वित होने की जरूरत है कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने योगा के माध्यम से पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवाया है। एक नहीं दो नहीं 177 देश 177 देश आज योगा कर रहे हैं। न केवल दुनिया के देश, 56 इस्लामिक देशों में से 48 इस्लामिक देशों ने आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मने इस बात के लिए अपना मत भारत के पक्ष में दिया है। क्या गौरवान्वित होने की जरूरत नहीं है? लेकिन नहीं, कांग्रेस को उसमें भी राजनीति करना है। कांग्रेस जब जब भारत गौरवान्वित होता है, जब जब भारतवर्ष गौरवान्वित होता है, जब जब भारत बढ़ता है, कांग्रेस को तकलीफ होती है। हमको कोई दिक्कत नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू योगा कर रहे हैं, स्वागत करते हैं हम चाहते हैं संतोष जी भी योगा करें, हम चाहते हैं राहुल जी भी योगा करें, हम चाहते हैं कमलनाथ जी भी आज शीर्षासन कर लेते, कोई मना ही नहीं है। लेकिन नहीं, हमको राजनीति करना है, हमको बयानबाजी करना है, हमको ट्विटर का व्यवहार करना है। आखिर कब मंथन करेगी कांग्रेस, आखिर कब चिंतन करेगी कांग्रेस? इन्हीं सब कारणों से आज कांग्रेस की हालत आपके और हमारे सामने है। ठीक बात है। चलिए दिनेश गुप्ता जी, सियासत के लिए 365 और 24 घंटे 365 दिन 24 घंटे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां थोड़ा बहुत बचा जा सकता था। ठीक है, चुनाव नजदीक हैं, प्रदेश के चुनाव भी हैं, लोकसभा के चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, तो सियासत होगी, लेकिन फिर भी कुछ मौके छोड़े जा सकते थे। नहीं देखिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हो रहा कि इसमें कोई विवाद की स्थिति या कांग्रेस भी कोई विवाद की स्थिति क्रिएट कर रही है। यदि मान लीजिए नेहरू जी का फोटो डाल दिया योग करते हुए योग दिवस पर, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया क्या उसमें? या मोदी जी को इसमें कोई बहुत आपत्ति हो गई कि नहीं साहब आपने योगा पर उनका फोटो क्यों डाल दिया? अब जिस युग का वो फोटो है उस युग में आप बताइए क्या जिम ट्रेडमिल ये सब क्या उपलब्ध थे क्या? लोग क्या करते थे? आपके कार्यक्रम तो यही सब चलते थे ना। आप स्कूल से लेकर कॉलेज तक आप जितनी भी एक्सरसाइज होती थी, जिसे आप योग कहें या एक्सरसाइज करें, व्यायाम की एक पूरा एक चैप्टर होता था, वो स्कूलों में तो खत्म हो गया ना, वो कोई वापस तो चालू नहीं हुआ। जितने जिस तरह का कल्चर हमारे यहाँ आ गया, हम जिस तरह से अंग्रेजी कल्चर में चले गए हैं पढ़ाई लिखाई में, उसमें जो भारतीय का जो है, जिस तरह के जो फिजिकल एक्सरसाइज का एक जो चैप्टर हुआ करता था, आप जो है सामाजिक जो है विज्ञान का एक चैप्टर हुआ करता, वो सब तो हट गए अब। तो इसलिए इसमें कोई ऐसा विवाद की स्थिति नहीं है। जिस तरह से यदि कांग्रेस ने कोई एक ट्वीट कर दिया तो बहुत ज्यादा फर्क उससे पड़ता नहीं। आप देखो ना, 365 दिन में आप लगभग 200 दिन ऐसे हैं जिसमें कोई ना कोई दिन मनाया जाता है। अभी महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो इसको कोई श्रेय को लेकर होड़ होती है। हर राज्य किसी की भी सरकार हो वो आयोजन करती है ना। तो ऐसे चूंकि भारत का एक सिस्टम है, यहाँ योग को बहुत हमारे ऋषि मुनियों ने योग किया है, तो यहाँ ज्यादा इसका इवेंट हो रहा है। आप बाकी जहां देशों में जहां इस तरह के लोगों का हैबिचुअल नहीं है, उस तरह के योग को नहीं समझ पा रहे, तो वहां एक सिंबॉलिक होता है, वो भी अपने करते हैं, जैसे बाकी आयोजन हम भी करते हैं भारत देश में। आप बताइए ना कि यहाँ तो फादर्स डे का विरोध होता है कि आप ये हमारी संस्कृति नहीं है, तो जिनकी संस्कृति है वो फादर्स डे मनाते हैं, अपनी संस्कृति योगा डे की है तो योगा मना रहे हैं। जी ठीक बात है। संतोष गौतम जी, प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर, हालांकि कुछ सवाल उठाए, उन सवालों को लेकर मैं सनवर जी के पास जरूर जाऊंगा, लेकिन ये अगर प्रधानमंत्री की पहल पर हो रहे थे, इस पर पूरा श्रेय आपने नेहरू जी को दे दिया। आपके एक सांसद शशि थरूर जी रिवाइंड करा रहे हैं चीजें कि भाई कहां और कब क्या और कैसी किन की कोशिशों के बाद ये सफलता मिली है देश को।
देखिए प्रशांत जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि हम पूरा श्रेय नेहरू जी को दे रहे हैं। मैं दिनेश गुप्ता जी की बात से सहमत हूं, अगर कांग्रेस ने कोई ट्वीट कर दिया तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोई पहला अवसर नहीं है कि योग के बारे में देश में जागृति आई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि नेहरू जी की तस्वीर ने यह बता दिया है कि ये कोई पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी प्रधानमंत्री इस तरीके से योग का प्रचार करते आए हैं। मेरा केवल इतना कहना है। तो प्रधानमंत्री जी जब सारा श्रेय लेने की खुद बात करते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी चीख चीख कर कह रही है कि प्रधानमंत्री की पहल पर सारा हो रहा है, तो कांग्रेस का भी यह दायित्व हो जाता है कि वो बताए कि हाँ नेहरू जी ने भी इस तरह की पहल की थी और अन्य प्रधानमंत्री भी करते रहे, इंदिरा जी भी जा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन इवेंट ठहरा देना, इवेंट बता देना। प्रशांत जी, मैं अपनी बात पूरी कंप्लीट कर लूं तो मैं समझता हूं कि बातें समझ में आ जाएंगी। मैं ये कह रहा हूं कि इवेंट ठहरा देने की बात नहीं है, सवाल यह है कि इवेंटों के नाम पर जिस तरीके से मोदी सरकार हर कार्यक्रम करती है, ये कोई पहला इवेंट नहीं है। वो लगातार इवेंटों में दुनिया को लगा के रखते हैं, भारत को लगा के रखते हैं। मैकियावेली ने एक बार कहा था, मैकियावेली ने कहा था कि चतुर राजा वो होता है जो जनता की परेशानियों से ध्यान बटाने के लिए लगातार उनको तमाशों में व्यस्त रखे। तो मेरा साफ आरोप है कि जितने भी चालाक राजा हुए वो अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए इस प्रकार के तमाशों का आयोजन करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इनको एक दिन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए। इतने 8-9 वर्षों के कार्यकाल में अगर एक प्रधानमंत्री ने पत्रकार वार्ता की हो तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। क्या प्रधानमंत्री पत्रकारों का सामना नहीं कर सकते हैं कि वो प्रायोजित इंटरव्यू देते रहेंगे अक्षय कुमार को कि आम कैसे खाया जाता है, काट कर खाते हैं कैसे खाते हैं? तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप नहीं होते इंटरव्यू, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश का प्रधानमंत्री जब इतने छिछले दर्जे के इंटरव्यू देगा, मैं समझता हूं जिम्मेदारी से बचने का प्रयास है। वो बताएं कि मैं 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दे पाए, हमारे प्रश्न फिर वही है। मैं 15 लाख क्यों नहीं दे पाया हर खाते में, पेट्रोल 35 रुपए क्यों नहीं कर पाया जैसा कि उन्होंने कहा था। उन्होंने ये कहा था कि डॉलर के मुकाबले रुपए को बराबर कर दूंगा, आज कहां है? डीजल के भाव क्या है, पेट्रोल के भाव क्या है? तो अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए अगर प्रधानमंत्री ऐसे तमाशों का आयोजन करेंगे तो मैकियावेली की बात फिर सत्य साबित हो जाएगी कि ऐसे चतुर राजा जो अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए तमाशों का आयोजन करते हैं उनमें से एक मोदी जी भी हैं। सनवर जी, इस पर दोहराऊंगा नहीं बात, भाई वाकई ऐसा है मसलों को या फिर आप नाकामियों को छुपा रहे हैं ऐसे इवेंट के माध्यम से? देखिए प्रशांत जी, मैं कहूंगा कि यही तो दिक्कत है कांग्रेस की, उनको मेकाले याद रहते हैं, उनको स्वामी विवेकानंद जी याद नहीं रहते हैं, जिन्होंने 100 साल से भी पहले कह दिया था कि 21वीं सदी भारत की होगी। एक नरेंद्र ने कहा था और दूसरे नरेंद्र ने पूरा कर दिखाया। यही तो मुश्किल है कि मेकाले याद है, विवेकानंद जी याद जी। आखिर क्यों तकलीफ है हमारे आदर्शों से, आखिर क्यों तकलीफ है हमारे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से? आप भारतीय संस्कृति जब बढ़ती है, हमने कभी नहीं कहा कि योगा का इजाद मोदी साहब ने किया है, हमने कभी नहीं कहा कि प्राणायाम का इजाद हमने किया है 2014 के बाद। अरे ये तो हमारा इतिहास है, ये तो हमारी परंपरा है, ये तो वेदों में तक है। हमने कब कहा? हमने तो ये कहा कि इस भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं दबाया गया था, इसलिए हमारे मुंह पर नहीं थी कि भस्त्रिका क्या होता है, हमारे मुंह पर नहीं था कपालभाति क्या होता है, भाष्य क्या होता है, भामरी और उद्गीत क्या होता है, उद्जय क्या होता है और ओमकार क्या होता है। आज हमारे मुंह पर है, क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने भारतीय संस्कृति को, भारतीय योगा को अपने हाथ में लिया और दुनिया में से फैलाया। ठीक है, हम तो यही कह रहे हैं। तो हमने जब, अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने फैलाया है, आज अगर दुनिया भारत का लोहा मान रही है, तो आप खुशी खुशी आइए, संतोष जी भी योगा करे, प्राणायाम करे तो स्वस्थ होंगे, तेज हवा ले और साफ हवा ले, लंग्स मजबूत होंगे। कोरोना के पेंडेमिक से क्यों बच पाए जो लोग योगा कर रहे थे? क्योंकि उनके फेफड़े मजबूत थे जी। ठीक है, हो सकता है संतोष जी जरूर योगा करते होंगे, हम आप बहुत सारे लोग, जरूरी नहीं कि भाई वो किसी दल विशेष से, तो हर व्यक्ति के सेहत का मसला है। लेकिन सनवर जी एक बात दिनेश जी उठा रहे थे कि भाई ठीक है आप ऐसे आयोजन भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई जो इंस्टीट्यूशन हैं, शिक्षण संस्थान हैं, वहां से तो ये सारी चीजें गायब हो गई, वेस्टर्न कल्चर से लेकर तमाम ट्रेडमिल आ गई वहां पर? नहीं नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सही की दिनेश जी ने, उन्होंने ये कहा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब शीर्षासन कर रहे हैं तो उस समय कोई जो हमारी आयरन मशीन होती है वो नहीं हुआ करती थी, तो निश्चित रूप से जिनको स्वस्थ रहना होता था वो इसी प्रकार के योगा या मलखम्ब या अन्य प्रकार के हमारी या कुश्ती, इस प्रकार के जो हमारे समझिए कि ऐसे आयोजनों के साथ उन शिक्षण संस्थानों में भी योग दोबारा उसी रूप में आए। निश्चित रूप से आज आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसको निश्चित रूप से लागू करने की बात कही है, जबलपुर में कहा है। तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और देश की
भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार ने सदैव यह कोशिश की है कि हम अपने प्रतिमानों को स्थापित करें, हम अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को और अपने इतिहास को, जो हमारा गौरवशाली चीजें हैं, उनको हम स्थापित करें, ना कि हम बाकी अन्य चीजों को स्थापित करने की कोशिश करें। ठीक बात है संतोष जी, कुछ कहना चाहते थे आप इस पर। और दूसरा थोड़ा सा ये भी बताएं कि भाई योग आप दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, आपने तस्वीर भी ट्वीट की देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की, कि भाई आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस को मौका मिलता है तो वो क्या और कर सकती है, क्या और उसके पास प्लान हो सकता है, जो जिसका जिक्र दिनेश गुप्ता जी भी कर रहे हैं। देखिए प्रशांत जी, एक बात तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि सनवर भाई ने कहा कि कांग्रेस योग का विरोध क्यों करती है, विवेकानंद का विरोध क्यों करती है, मैक्यावेली की बात बीच में ले आई और विवेकानंद की बात नहीं लाई बीच में, तो संदर्भ मैक्यावेली का था तो मैंने मैक्यावेली का संदर्भ दिया। विवेकानंद ने कहा था कि हमारे देश में एक दूसरे से जातियां मिलती गई, जो विभिन्न समुदाय के लोग आए एक दूसरे से मिलते गए, रेत की परतों जैसे एक दूसरे के ऊपर परतें बनती गई और हिंदुस्तान बनता गया। लेकिन आज भारत की स्थिति क्या है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं कितनी बढ़ रही है, सारी घटनाएं कितनी बढ़ रही है, विवेकानंद के आदर्शों पर कहां चल रही भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस योग का विरोध करती है, योग का विरोध कांग्रेस नहीं करती है, कांग्रेस के बनाए हुए सेंट्रल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय में वहां का छात्र रहा हूं और प्रार्थना के बाद एक पीरियड हमारा योग का होता था। तो आज नरेंद्र मोदी जी के 2014 में आने के बाद योग इस हिंदुस्तान में शुरू नहीं हुआ है, योग भारत की सनातन परंपरा रही है और कांग्रेस ने विरोध कभी नहीं किया, कांग्रेस ने योग को समाप्त करने की कोशिश की। उस केंद्रीय विद्यालय जो नेहरू जी का बनाया हुआ, जो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने नवोदय स्कूल और सारी चीजें बनाई है, जो मोदी जी के पास तो बताने के लिए कुछ है नहीं, वो बता दें एक शिक्षण संस्थान स्थापित किया हो, एक IIT, एक IIM, एक इसरो, एम्स, कुछ भी मोदी जी ने अपना इजाद किया, कुछ भी नया बनाया हो सिवाय एयरपोर्ट सी पोर्ट सारी चीजें बेचने के, तो मोदी जी के पास उपलब्धियों के नाम पे कुछ होना चाहिए ना, तो उनके नाम पे उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है। इसलिए कांग्रेस का तिरस्कार करके ये बता करके कांग्रेस ने कुछ नहीं किया इस विषय में, तो इन सब इवेंटों के पीछे अपनी असफलताओं को छिपाने का गहरा प्रयास है, मेरा साफ आरोप है। मैं तो कह रहा हूं कि मैं केंद्रीय विद्यालय का छात्र रहा हूं और तब से योगा करते आया हूं, तब हिंदुस्तान के पटल पर मोदी जी कहीं नहीं थे, मैं ये बताना चाहता हूं। ठीक है संतोष जी, मैं दिनेश जी के पास जाऊं उससे पहले इसी से जुड़ा सवाल कि भाई उन संस्थानों का आपने सेंट्रल स्कूल का जिक्र किया, IIT का जिक्र किया, IIM का भी आप जिक्र कर रहे हैं और भी इनकी संख्या जरूर आप कैलकुलेट करते कि भाई कांग्रेस सरकार में कितनी थी और आज कितनी है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, बिल्कुल मैं कैलकुलेट करके मैं बता मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी नई चीज मोदी सरकार ने शुरू की है क्या, अगर किसी चीज का विस्तार किया है तो निश्चित रूप से इतने वर्षों के जो वंशानुक्रम होता है, जो इतना समय होता है, इसमें तो कोई भी चीज बढ़ती है, कोई नई चीज आई है सिवाय बेचने के, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के, क्या मोदी जी ने कोई नई चीज स्थापित की हिंदुस्तान में, आप बताइए मुझे, लिट गिनाइए, इसरो से लेकर जितनी भी चीजें हैं आज किसने स्थापित की है, कांग्रेस के द्वारा स्थापित की गई है और इस तथ्य को कोई झुठला नहीं सकता है। ठीक बात है दिनेश जी, योग की अच्छी बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई बड़े बड़े संस्थान कांग्रेस के समय में हुए, योग जैसा कि जिक्र भी कर रहे थे कि संतोष जी की भाई योग पीरियड भी हुआ करता था, आपने भी वही सवाल उठाया, लेकिन इसी ट्रैक को थोड़ा सा और आगे ले जाऊं जिस संस्थानों का जिक्र करें, आज 9 साल में केंद्र सरकार कहती है कि हमने कई गुना ज्यादा रफ्तार से काम किया, हाईवे बनाए, शिक्षण संस्थान बढ़ाए, और ये भी दिखता भी है कुछ अगर उस लिहाज से देखें तो। कैसे देखें सरकार कुछ ना कुछ काम प्रशांत जी करती है, अब आप उसका वैल्यू एडिशन किस तरह से देखते हैं, किसके लिए क्या उपयोगिता, अलग विषय है। देखिए जो वो योग का विषय है वो एक अलग तरह का विषय है, आप देखेंगे ना कि आप इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं, आपने उसको एक पूरा कॉमर्शियल ये बना दिया, योग का मार्केट, योग का मार्केट, आप भारतीय संस्कृति तो क्या होना चाहिए, हर आदमी को मुफ्त योग की शिक्षा मिले, लेकिन आप देखिए ना कि करोड़ों रुपए की ये इंडस्ट्रीज हो गई जिसके लिए सब आयोजन होते हैं, यदि आप आपकी संस्कृति है तो उसकी संस्कृति के अनुरूप आप इसकी शिक्षा दीजिए, जो मैं बात कर रहा था ना कि शिक्षण संस्थानों में नहीं है, तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक महंगा इवेंट हो गया, किसी भी हर आदमी के अप्रोच में नहीं हो रहा है आज की तारीख में योग, धीरे धीरे इसकी कॉस्ट इतनी बढ़ती जा रही है कि इससे जो जरूरतमंद आदमी जिसके पास पैसा नहीं है वो तो योग के लिए नहीं जा सकता, घर में ही अपना प्रैक्टिस करके जैसा चाहे कर ले, सही गलत कर ले, लेकिन जो उसे सही करना है तो आपको कोई योग गुरु भी तलाश करना पड़ेगा और वहां उसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो कोई भी चीज आप देखिए, एक जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप कह देंगे कि अस्पताल की जरूरत नहीं है, आप GDP की बात करते हैं कि सेहत ठीक रहती है तो GDP सुधर जाती है, बहुत सारी चीजों को बताते हैं आप, सरकार कहती है कि हमारा दवाइयों पर खर्चा कम होगा, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी सबसे पहली जरूरत क्या है, लोगों को रोजगार जरूरत है, भूख को खत्म करना है, या आप उनके जो है विकास
उसका किस तरह का मॉडल पेश करना चाहते हैं। तो हर सरकार का अपना नजरिया, अपने एजेंडे पर वो काम करती है, लेकिन जो लोगों की जरूरत है, आप ना तो वो नाम बदलने से जरूरत पूरी होती है, ना आप जो है उसको किसी तरह के कोई धर्मांतरण जिहाद जैसे इशू पर आप अपने उन पर यदि जनता को उलझाएंगे, ना उससे किसी की जरूरत पूरी होती है। ठीक बात है सनवर जी। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, शिक्षण संस्थानों के भी अभी जिक्र हो रही थी, योग का जिक्र हो रहा था। केवल ऐसे आयोजनों से क्या योग वाकई घर घर तक पहुंच जाएगा, क्या बच्चों तक पहुंच जाएगा? ये भी एक रिसर्च का विषय है कि भाई तमाम शिक्षण संस्थानों में कितने एजुकेशन के टीचर हैं, योग टीचर हैं। सनवर जी ठीक बात कही प्रशांत जी आपने, ये हम सब लोगों की फिक्र होना चाहिए, हम सब लोगों को जन जागरण का भी विषय है कि योगा आज सरकार ने जन जन तक पहुंचाया है, योगा को आम जन तक पहुंचाया है, हम उसको दैनिक दिनचर्या का हमारा हिस्सा कैसे बनाएं? अगर हम करते हैं हम स्वस्थ रहेंगे जी, अगर हम नहीं करते हैं तो हम शायद बीमार ज्यादा होंगे। तो ये सब चीजें जागरण की चीजें, निश्चित रूप से सरकार का अपना रोल है, सरकार इसको पढ़ाई से लगाकर तो अपने शैक्षणिक पूरे सत्र में जोड़ रही है। इसके जो टीचर्स हैं उनको रखा गया है, खास तौर पर टीचर्स बढ़े हैं। आप देखेंगे कि हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में आज आप सुबह सुबह जाएंगे तो बनिस्पत आज से 10 साल पहले के आज देखेंगे तो आपको योगा करते हुए बड़े बच्चे बुजुर्ग सब मिल जाएंगे। तो ये ही उपलब्धि है कि हमने जन जन तक इसको पहुंचाया है, और जन जन तक पहुंचाने के साथ दुनिया में हमारा नाम हुआ है योगा को लेकर, यही हमारी उपलब्धि है। ठीक ठीक है, सहमत हैं इस बात से संतोष गौतम जी की भाई 10 साल पहले ये स्थिति नहीं थी कि पार्क में आपको लोग योगा करते मिल जाए बड़ी संख्या में। देखिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे जनजागरण भी प्रमुख बात रही है। ऐसा नहीं कि सरकारी प्रयासों से हुआ है, बीच में कोविड का माहौल आया, उसके बाद लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए, ऐसी बहुत सी बातें हैं। लेकिन हाँ, अगर सरकार इसका श्रेय ले रही है तो मैं कहता हूँ कि श्रेय लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं। राजनीतिक दल आखिर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मेरा एक सवाल और है, विफलताओं का श्रेय कौन लेगा? ये सतपुड़ा भवन में आग क्यों लगाई जा रही है? ये जो घोटाले हुए इनका श्रेय कौन लेगा? व्यापम घोटाला हुआ, ये नर्मदा नदी का अवैध उत्खनन हो रहा है, ये सारी चीजों का भी आपको श्रेय लेना पड़ेगा ना, कि हमने रोजगार के आधार पर तमाम खोल दिए, करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर रही मध्य प्रदेश सरकार, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में केवल 21 लोगों को रोजगार मिला है, इसका श्रेय कौन लेगा? इसका श्रेय भी शिवराज सिंह चौहान को लेना चाहिए। मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 250 से अधिक घोटाले हुए, कांग्रेस ने फेहरिस्त जारी की है कल ही, तो मैं कहता हूं कि उन घोटालों के ऊपर श्रेय कौन लेगा? इनके भी श्रेय लेने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी को, नरेंद्र मोदी जी को आगे आना चाहिए। महाकाल लोक में घोटाला हुआ, इतनी धार्मिक सरकार बनती है, महाकाल के नाम पर पैसा खा गए, पहले इंसानों के नाम पर खाते थे, अब भगवान के नाम पर पैसा खाने लग गए, तो भगवान महाकाल तो जो दंड देंगे देंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता भी दिसंबर में उनको दंड देने वाली है। ये सतपुड़ा भवन की जो आग है ना, ये मध्य प्रदेश की भ्रष्टाचारी सरकार की चिता की वो भावी आग है जो 6 महीने पहले दिखाई दे रही है। दिनेश जी जाऊंगा मैं आखिरी सवाल के साथ। दिनेश जी, जिक्र अभी हो रहा था और संतोष जी बार बार कह रहे हैं इवेंट का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या वाकई में इसमें फर्क नजर आता है? बीजेपी के मौकों को बुना भी लेती है, जनता से कनेक्ट करने का तरीका, या हम कहें कि मौका बना देती है, चाहे कि जून जैसा मौका हो या कोई मैराथन हो या फिर कोई और ऐसे मौके, इनमें कहीं पीछे रह जाती है कांग्रेस? नहीं, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होता है? लोगों को जागृति पैदा करना होती है ना। आप किस तरह से जागृति पैदा करते हैं? कनेक्ट भी कर लेते हैं जनता से, आप जनता, आप इस तरह के आयोजन करते हैं, आप अलग अलग तरह के उससे प्रयास करते हैं, तो उद्देश्य तो वही है ना कि लोगों तक पहुंचे। लोगों तक कैसे पहुंचे ये सरकारों का काम है। आप देखिए ना कि योग यदि आज इतना जा रहा है तो किसी को श्रेय नहीं है, ये संचार क्रांति को श्रेय है कि घर में आप टेलीविजन के जरिए आपने देखते हैं और उससे आप सीखते गए, तो इसमें कोई आपको सिखाने नहीं आया। यदि ये संचार क्रांति नहीं होती तो हो सकता है योग भी पॉपुलर नहीं होता। जैसे जैसे संचार क्रांति बढ़ती गई, आप देख रहे हैं हर टेलीविजन चैनल पर आप कार्यक्रम देखते हैं, तो ये जो है ना, ये इवेंट होता ही इसीलिए है कि लोगों में जागृति आए, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का उद्देश्य है वो पूरा हो सके। बिल्कुल, यानी मकसद पूरा होना चाहिए, और योग किसी की सेहत को भी नुकसान नहीं, बल्कि चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी की, आम जनता की भी सेहत को लाभ ही पहुंचाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का, दिनेश गुप्ता जी, सनवर पटेल साहब, संतोष गौतम जी, बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।